दोस्तों जनाब हाशिम फिरोजाबादी अपना कलाम सुना रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि शायरी तसव्वुर भी है, शायरी तस्वीर भी है। एक शेर आप सुनते हैं, आपका तसव्वुर कहाँ कहाँ जाता है और जब तसव्वुर कहाँ पहुँच जाता है तो एक तस्वीर जहन में उभरती है जो शेर की तस्वीर हुआ करती है। यही कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं तरसील। शायर जब शेर पहुँच पढ़ता है तो आपके जहन में जो बात पहुंचती है वो तस्वीर बन जाया करती है। और मैं एक बार फिर मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं कि उर्दू की जड़ें इन गांवों में हैं, कस्बों में हैं। आप इन जड़ों की हिफाजत कर रहे हैं जो हमारी ज़बान और तहजीब की जड़ें हैं। इसलिए हम आपको सलाम करते हैं कि उर्दू आपसे बाकी है, उर्दू शहर के प्रोफेसरों से नहीं बाकी है, उर्दू आप जैसे सामईन से बाकी है, इन गांवों से बाकी है, इन कस्बों से बाकी है। मैं अब फिर चाहता हूं कि आपके दयार के शायर जनाब असद निज़ामी को आवाज़ दूं, जिन्हें जब भी सुनने को मौका मिला है ये महसूस हुआ है कि बड़ी रोशन सलाहियतों के मालिक हैं जनाब असद निज़ामी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। असद साहब आइए। अस्सलामु अलैकुम। 5 मिनट के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि यहाँ जो मेहमान शायर आए हुए हैं हमें उन्हें सुनना है, लेकिन उन्हें भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो अच्छे शेर कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। चंद अशार मैं पेश करता हूँ। एक शेर समाध फरमाए कि हमेशा मैं नए दुश्मन तलाश करता हूँ, हमेशा मैं नए दुश्मन तलाश करता हूँ। पुराने जितने हैं सब दोस्त बनते जाते हैं। और एक मतला और दो शेर समाध फरमा ले कि क्यों खलाओं में घूरते हैं बहुत, क्यों खलाओं में घूरते हैं बहुत, आजकल आप सोचते हैं बहुत, आजकल आप सोचते हैं बहुत, और दिल सुना है खुदा का घर भी है, दिल सुना है खुदा का घर भी है, लोग दिल ही को तोड़ते हैं बहुत, लोग दिल ही को तोड़ते हैं बहुत, और इससे दिल को सुकून मिलता है, इससे दिल को सुकून मिलता है, तेरी तस्वीर देखते हैं बहुत। शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या कहने। असद साहब ने इख्तसार से काम लिया लेकिन बहुत अच्छे अशार से नवाजा। मैंने उनके बारे में कहा था कि उनके अशार सुनने के बाद यकीन होता है कि बड़ी रोशन फिक्र के वो मालिक हैं जिसका उन्होंने सबूत दिया।